कल्पनाओं का एक बहुत सुंदर भारत हो जाएगा। इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पैसे लग रहे क्या? नहीं लग रहा है सर, इसमें कहाँ लग रहे हैं। और सरकार के पास हम 20 गुना ज्यादा पैसा भेज रहे हैं तो जो ना टैक्स फ्री भारत में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। जब आपको आपके ही कॉसेटलिंग अकाउंट से पैसे मिल रहे हैं, डेबिट अकाउंट से, तो भारत में किसी व्यक्ति को कर्ज लेना पड़ेगा क्या? तो नहीं लेना पड़ेगा सर, भारत कर्ज मुक्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आराम से आराम से। फिर आपकी पूरी एनर्जी कहाँ जाएगी? आपको अपने सुख देने के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, आपके अध्यात्म सुख के लिए, प्रार्थना बिल्कुल करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, अपना परलोक सुधारने के लिए। अभी तो बिल्कुल। आप लोग चारों तरफ से तृष्णा में बह रहे हैं, अब बताइए आप जो है मानव जन्म आपका सफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आराम से सर, सब उद्धार हो जाएगा और ये देश की मतलब एक बहुत बेहतरीन देश बन जाएगा हमारा तो भारत। आप बताइए बंसल साहब, अभी मैंने जो आपको पूरा साचा दिखाया है, आप इतने विद्वान व्यक्ति हैं, आप मुझे बताइए इसमें कहीं कोई आपको लोचा दिख रहा है, केमिकल नहीं सर, लोचा है? नहीं, कोई लोच में कोई गड़बड़ नहीं दिख रहा है, सब बढ़िया दिख रहा है मेरे को। और यदि बहुत मान लो बहुत कहीं कोई, बेहतरीन यदि कोई कहीं प्लान। दिक्कत आएगी तो उसका समाधान निकालने के लिए मैथिलीशरण गुप्त है ना? जी, वो बहुत बेहतरीन प्लान है सर, आपने जो मुझे समझाया। और जहाँ तक देखिए मेरे जो समझ में आया है, मुझे बहुत बेहतरीन समझ में आया है। और ये प्लान बहुत एक बोलते ना, कल्पनाओं से भी आगे इसका फ्यूचर दिखता है, भविष्य दिखता है, बहुत उज्जवल भविष्य दिखता है। देखिए, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी आज ही क्यों नहीं मान लेते हैं किसानों का किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा किसानों की सर, आमदनी 5 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी सर, श्रमजीवियों की आमदनी 10 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल हो आप जाएगा बताइए, वो जो है ना श्रमिक और लेबर कहने के बजाय, नौकर कहलाने के बजाय वो सर्विस प्रोवाइडर कहलाएंगे, उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, टूल्स दिए जाएंगे, वो गाड़ी में बैठ के जाएंगे और आज जो काम वो 8 घंटे में कर रहे हैं वो 1 घंटे में करेंगे, और उनको उसी हिसाब से उनको मेहनताना और भुगतान मिलेगा। तो बताओ वो कितने अमीर होंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया होएगा, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होएगी, बहुत अच्छा मतलब एक मतलब इसकी कोई हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते कि क्या से क्या नजारा बदल जाएगा अगर ये सारी चीजें तो लागू होगी आओ तो। हम सब मिलके माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करें, और अभी आप और हम प्रार्थना करेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। यदि जी हम 9 दिन में अपने लोगों को जोड़कर 100 करोड़ हो जाएंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात सुनने के लिए विवश होंगे, और यदि वो विवश नहीं होते हैं तो हम अपने ऐसे 543 लोगों को, जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, उन्हें जो है ना संसद का टिकट दे दिया जाएगा, छत पर चढ़ के बिना खर्च के हम उनको जिता देंगे और स्वयं पार्लियामेंट में वो काम कर लेंगे। जब दिमाग हमारा है, मॉडल हमारा है, टेक्नोलॉजी हमारी है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को क्यों तकलीफ दी जाए? बिल्कुल और यदि वो समझ जाते हैं और अभी ये कर देते हैं तो उन्हें 303 पार और 400 पार में जो तकलीफ हो रही है, हम उन्हें आसानी से 500 पार कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कर सकते हैं। तो भाई 500 पार हो जाएंगे मोदी इस बार, 500 पार, बस कर दो ये चार काम जो कहे जा रहे हैं, और इसमें ना आपके 5 पैसे लगेंगे, ना भारत सरकार के 5 पैसे लगेंगे, उल्टा भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा होगा। इस देश के देशवासी टैक्स में नहीं, टैक्स के कारण नहीं मरेंगे, आत्महत्याएं कर्ज के कारण नहीं करेंगे। जो दुष्ट व्यवस्था जो है छापा मार रही है और जाके डकैती मारती है, ऐसी डकैत वाली व्यवस्था नहीं रहेगी। आम आदमी परेशान हो रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, एक जी सर्वतुल्य व्यवस्था हो जाएगी, एक राम राज्य हो जाएगा। बताओ राम राज्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल 100% हो जाएगा सर। तो इस राम राज्य में कोई बाधा आपको दिख रही है क्या? नहीं दिख रही, और रामराज तो मोदी जी की भी कल्पना है, वो भी तो चाहते हैं नहीं भाई, कि मोदी रामराज जी की हो। कल्पना है तो किसानों को डंडा मार के रामराज्य ला रहे हैं क्या? नहीं उसको ये किस नियम पे लागू कर रहे हैं, क्या है उनका अपनी स्थिति है मुझे। वो तो उल्टा कह रहे हैं कि भैया सरकार के पास कुछ मत भेजना, नहीं तो मैं तुम्हारे तुम्हारे अभी रेगुलेशन बना लिया है हमने, तुमको 50 लाख के फाइन ऑर्डर कर देंगे। हाँ नहीं ये तो ठीक नहीं है तो ये सब ठीक नहीं है। ये जी। आप जो है अब गुलामों के नियम कानून से इस देश को नहीं चला पाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी सतर्क हो जाइए, अपराध मुक्त भारत की जो 4 मांगे हैं उनको पूरा कर दीजिए, और अब की बार 500 पार होंगे, और यदि आप नहीं करेंगे तो मैथिलीशरण गुप्त अपने 543 ऐसे साथियों के साथ, जो कि जो है ना सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर ये पूरी व्यवस्था को बदल देंगे। जब मैथिलीशरण गुप्त के दिमाग में हर चीज है तो आपके दिमाग जो है ना, हम आपकी प्रार्थना में जो हम समय लगा रहे हैं वो बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? आराम से बच जाएगा आप बताओ इसमें तुम्हें, आपको कहीं मिस्टर बंसल कोई लोचा दिख रहा है क्या? सर। बिल्कुल नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं दिख रही तो इसमें। क्या मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूं कि आज से आप पूरी शक्ति लगा देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल चलिए, तो
मैं हर दिन आपको फोन करूंगा फिर। चलिए, जरूर 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 कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय वंदे जय मातरम, श्री राम, जय श्री जय राम, गुरुदेव, जय श्री राम, जय जय गुरुदेव।